नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से, जहां भारी मात्रा में आबकारी विभाग व थाना नंदगंज पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने तथा बेचने वाले एक अभियुक्त विनोद बिंद को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। कब्जे से 63 पेटी में 2835 शीशी देसी शराब व शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जनपद में शांति व कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने तथा अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक की जुबानी। थाना क्षेत्र में सौरम गांव के गांव से एक अच्छी कामयाबी मिली है, जिसमें एक अभियुक्त अरेस्ट हुआ है और बाकी तीन लोग भागने में सफल रहे हैं, जिनके पीछे हमारी टीमें लगी हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये लोग नकली शराब, अपनिश्चित शराब का निर्माण करते थे और मौके से, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, इसमें 3400 लीटर स्प्रिट और 2835 शीशी शराब, खाली शीशी 23,800 और 35,000 ढक्कन, 17,538 रैपर, QR कोड 4 रोल, इस तरह से लगभग 10 लाख से ऊपर की बरामदगी है, 25 लाख के ऊपर की बरामदगी है। और इसमें जो शेष अभियुक्त हैं, ये कब से बना रहे थे, इनके एसोसिएट्स और भी कौन से हैं, इसमें एक मालिक भी हैं, इनका जो भट्टा मालिक है, कहाँ कहाँ इनकी सप्लाई होती थी, इनके कौन कौन से लोग हैं, इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध हम गिरफ्तारी करके कार्रवाई करेंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और इन लोगों ने अपने शिष्य शराब से जो संपत्ति अर्जित की है उसकी कुर्की भी करेंगे। इस आबकारी डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की संयुक्त कार्रवाई से जो कामयाबी मिली है, उससे आगामी जो पंचायत चुनाव है और जो महाशिवरात्रि का पर्व आज है ही है, होली का पर्व आने वाला है, जो पर्व आने वाले हैं जिसमें इस प्रकार की शराबों से जान हानि की खतरे के ये आशंका रहती है, तो उस पर कामयाबी मिलेगी। और हमारा ये अभियान अभी चल रहा है और शीघ्र ही हमको और भी इस जनपद में अगर कोई इस तरह के धंधों में लिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरीके से अवैध शराब से और उसकी तस्करी, उसके निर्माण और अपनिश्चित शराब की बिक्री से मुक्त कराने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया।